फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बुरी खबरें आ ही रही हैं, लेकिन इस दौरान रघुबर दास, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके लिए भी एक बहुत ही बुरी खबर है। उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी गई है और यह FIR दर्ज कराई है हेमंत सोरेन ने। यह बहुत ही जघन्य अपराध किया है उन्होंने और जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वह बहुत ही जघन्य आरोप हैं। हम बता दें कि जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने बताया है कि हेमंत सोरेन ने 19 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि रघुवर दास ने उनकी जात को लेकर, जाति को लेकर के, वह आदिवासी जाति के हैं, कटाक्ष किया है और अपशब्द बोले हैं। यह अपशब्द कहा गया है कि बोले गए हैं जामताड़ा में एक चुनावी जनसभा कर रहे थे रघुवर दास, उस दौरान बोले हैं उन्होंने उनकी जाति को लेकर। यहाँ हेमंत सोरेन भावुक भी हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि क्या आदिवासी होना कुछ गलत है? क्या आदिवासियों को आड़े हाथों लिया जाएगा? उनकी जाति को लेकर कटाक्ष किए जाएंगे? यह अहम बात कही है हेमंत सोरेन ने। हम लगातार देख रहे हैं कि जाति हो या धर्म हो, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विवादों में रही है। यह कोई नई बात नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति यह भी नहीं कह सकता कि शायद रघुबर दास पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनसे कोई राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है, ऐसी कोई शत्रुता है रघुबर दास के साथ राजनीति को लेकर, जिसको हम हेमंत सोरेन निकाल रहे हैं। जामताड़ा की यदि हम स्पीच सुनेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ साबित होता नजर आ रहा है। और जिस तरह पुलिस अधीक्षक ने भी बताया है, हेमंत सोरेन ने इस बात पर प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। तो क्या इस बात को लेकर रघुवर दास को जेल जाना पड़ेगा? क्या भारी प्रताड़ना उन्हें सहनी पड़ेगी? और जिस तरह से उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर अपशब्द कहे हैं, क्या उन अपशब्दों को लेकर के आदिवासी समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को नकारता रहेगा, बैकफुट पर रखता रहेगा? आने वाले समय में यही अहम और महत्वपूर्ण खबर रहेगी और यही एक मुद्दा रहेगा। और देखा जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले समय पर इसी मुद्दे को और भुनाया भी जाए। जो 5 साल की सरकार पूरी हो जाएगी, हेमंत सोरेन जरूर इस मुद्दे को भी भुनाएंगे और कहेंगे आदिवासी समाज पर किस तरह से उन्होंने अपशब्द कहे थे। और हमने यह भी देखा कि साले शब्द का प्रयोग किया था हेमंत सोरेन के लिए रघुबर दास ने। तो उन सबकी सजाएं मिल गई हैं, प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, FIR दर्ज हो चुकी है। और उस संबंध में अब क्या ये जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, या किस तरह से उनको दंड प्राप्त होगा? जाति को लेकर लांछन लगाना या उस पर अपशब्द कहना बहुत बड़ी बात, गंभीर अपराध माना जाता है हिंदुस्तान में। मौलिक अधिकार है हमें कि हमारी जाति को लेकर, धर्म को लेकर किसी प्रकार के अपशब्द नहीं कहे जाएंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस संबंध में रघुवर दास को किस तरह का दंड मिलना चाहिए और किस तरह का दंड मिल सकता है या उन्हें माफ कर दिया जाएगा, इस संबंध में आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें और कार्यक्रम को लाइक करना भी ना भूलें। कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।